सत श्री अकाल जी, हेलो एवरीबॉडी। हम एयर कनाडा की वेबसाइट पर गए हैं और ये चेक कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फ़्लाइटें बुक हो रही हैं दिल्ली टू टोरंटो। तो अब चेक कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं एयर कनाडा की वेबसाइट पर, आप खुद भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ट्राई करी है, वेबसाइट खोल ली है एयर कनाडा की। तो अब मैं देखूँगी कि कौन सी डेट्स की टिकट्स अवेलेबल हैं 21 सितंबर के बाद, टिकट्स बुक हो रही हैं कि नहीं बुक हो रही हैं। तो अब हम यहाँ बुकिंग में क्लिक कर दिया हमने। और फ्लाइट्स के लिए एयर कनाडा की, और यहाँ जाके हमने भरा है दिल्ली, न्यू दिल्ली, और इसके लिए टोरंटो। और हमारी डिपार्चर डेट है 30 सितंबर, और हमने राउंड द ट्रिप लाना है 31 अगस्त तक आ जाना है। तो अभी हम सिलेक्टेड कर दिए हमने, यहाँ कर दी है। तो अब ये सर्च होंगी, ये आप देखिए एयर कनाडा की वेबसाइट पर टिकट्स बुक हो रही हैं दिल्ली टू टोरंटो की। तो अब ये सर्चिंग आ रहा है, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ अब आ रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये सितंबर से 27 सितंबर, 28, 29, 30, 2, 3 की डेटें आनी शुरू हो चुकी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आ रही हैं, दिल्ली टू टोरंटो की हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है, और इनके इकोनॉमिकल और बिजनेस क्लास के चार्जेस हैं। फिर ये दूसरी है, नॉन स्टॉप ही है ये भी फ्लाइट। तो आप देख सकते हैं ये सारी बुकिंग हो रही है, तो डेटे भी अवेलेबल हैं। ये अभी एडवांस में देखिए 27 सितंबर, 28, 29, 30, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तो ये जो है आ रहा है यहाँ पर न्यू दिल्ली टू टोरंटो एयर कनाडा की साइड में। आने वाले टाइम में होप है कि कनाडा रिस्ट्रिक्शनें खोल दे, क्योंकि काफ़ी महीनों से रिस्ट्रिक्शनें लगी हुई हैं फ़्लाइट बैन की, या अप्रैल से चली है। अगर ये खोल देते हैं तो ये फ़्लाइट्स बुक्स आप पहले भी कर सकते हैं, पर आप पता कर लिए कि ये रिफंडेबल होंगी कि नहीं होंगी। आने वाले टाइम में ये कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, या होप है कि 50-50% चल रहा है कि आने वाले टाइम में फ्लाइट स्टार्ट भी हो जाए और ये रिस्ट्रिक्शनें हट जाएं। और वैसे होप लग रही है कि रिस्ट्रिक्शनें हट जाएंगी, क्योंकि अब कल से ही 7 सितंबर से इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। सारे ट्रैवल जो हैं, वो जो भी जिनके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा या वैलिड वर्क परमिट है, नॉन एजेंशियल ट्रैवल, वो कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, पर इंडिया वालों को इनडायरेक्टली रूट लेना पड़ेगा। होप है कनाडा गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचे, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ़्लाइट बैन इंडिया से लगा रखा है, तो आने वाले टाइम में शायद से खोल दिया जाए तो अच्छी बात है। तो काफ़ी ट्रैवल नहीं पर करना पड़ेगा इंडियंस को, वो डायरेक्टली डायरेक्ट रूट ले सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।